बलबीर सिंह राठी उर्दू के अजीम शायर, अप्रैल 1933 में उनका जन्म हुआ और इसी महीने वे हमें छोड़कर चले गए। उनके दो गजल संग्रह प्रकाशित हुए, एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ हिंदी में घुटन नाम से, एक जहरीले पौधे नाम से उपन्यास प्रकाशित हुआ, कतरा कतरा और लहर लहर उनके दो गजल संग्रह प्रकाशित हुए। वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में प्रिंसिपल रहे और हरियाणा की साहित्यिक गतिविधियों को दिशा प्रदान करने में उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के रुचि ली। हरियाणा में एक बुद्धिजीवियों की जमात जिसमें प्रोफेसर ग्रेवाल, डी आर चौधरी, प्रोफेसर सूरज भान, प्रोफेसर बलदेव सिंह, प्रोफेसर भीम सिंह दहिया, वो एक लंबी लिस्ट, और बलबीर सिंह राठी भी इस मंडली में शामिल थे। उनकी एक गजल जो उनको खुद बहुत पसंद थी, आम तौर पे इस गजल को वो सुनाते थे। ये गजल उनके दिल के भी करीब थी और इसे वो बड़े चाव से सुनाते थे। तुंद शोलों में ढल गया हूँ मैं, तुंद शोलों में ढल गया हूँ मैं, कोई सूरज निकल गया हूँ मैं, तुंद शोलों में ढल गया हूँ मैं, कोई सूरज निकल गया हूँ मैं, कितने राहत फिजा थे अंगारे, बर्फ लगते ही जल गया हूँ मैं, कितने राहत फिजा थे अंगारे, बर्फ लगते ही जल गया हूँ मैं, तुमने बांधा था जिन हदों में मुझे, तुमने बांधा था जिन हदों में मुझे, उन हदों से निकल गया हूँ मैं, एक मंजर में क्या समाऊंगा, इतनी शक्लों में ढल गया हूँ मैं, अब वो मासूमियत कहाँ मुझमें, अब वो मासूमियत कहाँ मुझमें, तुमसे मिलकर बदल गया हूँ मैं। लोग इस पर भी हैं खफा मुझसे कि गिरते गिरते संभल गया हूँ मैं, हासिदो हासिदो मेरा जुर्म इतना है, हासिदो मेरा जुर्म इतना है, तुमसे आगे निकल गया हूँ मैं, हासिदो मेरा जुर्म इतना है, तुमसे आगे निकल गया हूँ मैं, मत बुलंदी की बात कर राठी, मत बुलंदी की बात कर राठी, अब वहां से फिसल गया हूँ मैं, अब वहां से फिसल गया हूँ मैं, तुंद शोलों में ढल गया हूँ मैं, कोई सूरज निकल गया हूँ मैं। उनकी एक और गजल है, अभी तक आदमी लाचार क्यों है सोचना होगा, अभी तक आदमी लाचार क्यों है सोचना होगा, मजालिम की वही रफ्तार क्यों है सोचना होगा, मजालिम की वही रफ्तार क्यों है सोचना होगा, ये दुनिया जिसको एक जन्नत बनाने की तमन्ना थी, ये दुनिया जिसको एक जन्नत बनाने की तमन्ना थी, अभी तक एक जहन्नुमजार क्यों है सोचना होगा। एक उनकी गजल है, तुम्हें अगर अपनी मंजिल का पता है तो खड़े क्यों हो, तुम्हारा कारवां तो जा चुका है फिर खड़े क्यों हो, उजाला तुम तो ला सकते हो लाखों आफताबों का, उजाला तुम तो ला सकते हो लाखों आफताबों का, अंधेरा हर तरफ गहरा गया है फिर खड़े क्यों, तबाही और होती है तमाशा और होता है, नगर कब से जलाया जा रहा है फिर खड़े क्यों, अभी तो अपनी मंजिल की तरफ कुछ दूर आए हो, अभी पूरा सफर बाकी पड़ा है फिर खड़े क्यों।